इस दुनिया में हर कोई यही चाहता है कि उसकी अपनी एक पहचान हो और वो अपनी पूरी लाइफ अपनी पहचान के साथ जिए। मेरी नजर में इस दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो ये ना चाहता हो। लेकिन सवाल तो ये है कि हम अपनी पहचान आखिर बनाएं तो बनाएं कैसे। जीवन में हमको ऐसे कौन कौन से काम हैं जिनको करके हम अपनी एक अलग पहचान बना सकते हैं, क्योंकि हम लोगों के सामने कैसे बिहेव करते हैं और उन्हें कैसे ट्रीट करते हैं, कहीं ना कहीं ये हमारी पहचान को बनाने में हमारी मदद करता है और ज्यादातर लोग यही मिस कर जाते हैं। आप भी ऐसे किसी इंसान को जानते होंगे जो सबसे खराब तरीके से बात करते हैं, लेकिन सिर्फ आपके साथ तो बहुत अच्छे हैं। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि वो इंसान आपको अच्छा मानते हैं और आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। तो हम यहाँ पर ऐसी 20 साइकोलॉजिकल ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे जिससे हर कोई आपकी रिस्पेक्ट करेगा, आपको पूछेगा और आप जो कहेंगे उसमें आपका साथ देगा। ये सब ट्रिक्स बहुत ही सिंपल हैं, पर यकीन मानिए इन सब का लेना देना ह्यूमन साइकोलॉजी के साथ है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। टाइम की वैल्यू करना सीखें। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक बार जो टाइम बीत जाता है वो वापस लौट कर नहीं आ सकता, इसलिए आपको टाइम की कदर करनी चाहिए। अगर आप अपना टाइम किसी को दे रहे हैं तो याद रखें कि आपका टाइम बहुत कीमती है, इसलिए इस टाइम को उन्हीं लोगों और चीजों में इन्वेस्ट करें जो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं। किसी भी मीटिंग, डेट, इवेंट आदि की रिस्पेक्ट करते टाइम हमेशा अपने कीमती वक्त का ध्यान रखें और किसी को दिए गए टाइम पर टाइम से पहुंचें। क्योंकि जब आप अपने दिए गए टाइम की कदर नहीं करते हैं तो बदले में लोग आपकी भी कदर नहीं करेंगे, और ये आपकी पर्सनैलिटी और आपके लिए जरूरी चीजों की तरफ दिखाए जाने वाली आपकी रिस्पेक्ट को बताता है। इसलिए खुद अपने टाइम की कदर करें और अच्छा बिहेव करें, इससे दूसरे लोग भी आपके टाइम की कदर करेंगे और आपसे अच्छी तरह से बिहेव करेंगे। अपना हक पहचाने। हम सभी को पता होता है कि कौन सी चीजें हमारी हैं, और जो चीजें हमारी होती हैं उन पर हमारा पूरा हक होता है। मतलब आप उन्हीं चीजों का पूरे हक से इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपकी हैं, और अगर आपको दूसरों की चीजों की जरूरत पड़ती है तो उनकी चीजों को इस्तेमाल करने के लिए उनकी परमिशन लें और उस चीज के लिए धन्यवाद कहें। एग्जाम्पल के लिए हमेशा ध्यान रखें कि आप अपने ऑफिस में रखे डेस्क या फ्रिज से क्या लेते हैं। अगर आपने वहाँ अपनी चीजें नहीं रखी हैं, तो आपको वहाँ से कुछ भी उठाना नहीं चाहिए। साथ ही अपनी चीजों की कदर करनी चाहिए, तभी दूसरे लोग भी आपकी चीजें लेते टाइम आपकी परमिशन लेना जरूरी समझेंगे और आपको धन्यवाद कहेंगे। शोर ना मचाएं। शोर मचाना एक बुरे बिहेवियर को दिखाता है, क्योंकि शोर चाहे कैसा भी हो हम सभी को परेशान करता है। तो अपनी जरूरी चीजों का इस्तेमाल या एंटरटेनमेंट के वक्त ध्यान रखें कि आप शोर ना मचा रहे हों। हम अक्सर अपने फोन का इस्तेमाल करते टाइम ध्यान नहीं रखते हैं कि इससे शोर हो सकता है, जिससे लोगों को परेशानी होती है। इसलिए जब आप अपने फोन का इस्तेमाल करते हैं तो अपने एटिकेट्स पर ध्यान दें और अपने फोन की वॉल्यूम सिर्फ उतनी ही रखें जिससे आपके आसपास के लोगों को परेशानी ना हो। अगर आपका फोन तेजी से बजता है तो आप लोगों का ध्यान भंग कर देंगे और लोग इसे सीधे आपके बिहेवियर से जोड़ देंगे, जिसके बाद वो आपको डिसरेस्पेक्टफुल नजरों से देख या ट्रीट कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी कदर करें और आपके काम से भी परेशान ना हो तो शोर ना मचाएं। अपनी तय की गई जगह पर मौजूद रहें। अगर आप किसी जगह पर मौजूद रहने के लिए किसी को हाँ बोलते हैं तो इस बात का पूरा ध्यान रखें कि आप उस जगह पर मौजूद रहेंगे, क्योंकि किसी को हाँ बोलकर ना कहना आपको झूठा साबित कर सकता है। लोग इसे आपके एटिकेट से जोड़कर आपकी कदर नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप किसी खास वजह से आने को तैयार होने के बावजूद नहीं जा पाते हैं तो आपको पहले ही बता देना चाहिए कि आप नहीं आ पाएंगे और अपनी इस गलती के लिए उनसे माफी भी मांगे। तभी लोग आपको जिम्मेदार इंसान समझेंगे और आपकी कदर करेंगे। अपनी पसंद को दूसरों पर ना थोपें। आपकी इच्छाएं, सोच, पसंद और स्कीम सिर्फ आपकी हैं। इसे दूसरों पर ना थोपें और ये ना सोचें कि दूसरे लोग भी आपकी तरह सोचेंगे या आपकी स्कीम से आप पसंद को अपनाएंगे। आपकी वैल्यूज की कदर तभी की जाएगी जब आप अपनी वैल्यूज की कदर के साथ साथ दूसरे लोगों की वैल्यूज का भी ध्यान रखेंगे। जैसे आपके डाइट प्लान्स आपके लिए जरूरी होते हैं, इसके लिए दूसरे लोगों को परेशान ना करें कि उन्हें भी आपके डाइट प्लान को अपनाना चाहिए। अगर आप बहुत से लोगों के लिए खाना तैयार करते हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप सबकी पसंद को ध्यान में रखकर ही खाना बनाएं। इससे आप दूसरे लोगों की वैल्यूज की कदर कर सकेंगे और दूसरे लोग भी आपके वैल्यूज की कदर करेंगे। किताबें तभी उधार दें जब कोई आपसे उन्हें मांगे। लोगों को किताबें तभी उधार दें जब वो मांगे, क्योंकि जब आप लोगों को किताब देकर उन्हें पढ़ने के लिए मजबूर करते हैं तो आप उन पर अपने फैसले थोपने लगते हैं और लोग वो अपनाने से इनकार करते हैं। आखिर में आपको दुख होगा कि वो किताब की बढ़ाई नहीं करते हैं या किताब को टाइम पर नहीं लौटाते हैं। इसलिए अपनी किताब की कदर करें और उन्हें सिर्फ उस इंसान को सौंपें जो आपकी किताब की कदर कर सकता है। किताबों की कदर करने का मतलब अपनी एजुकेशन की कदर करना होता है, इसलिए जरूरी बातों का ध्यान रखें। हमारी एजुकेशन का हमारी रिस्पेक्ट और हमारे नाम से बहुत लेना देना है, इसलिए सबसे पहले लेट मी थैंक आवर पार्टनर कोडिंग इन्वेडर्स। ये इंडिया का सबसे सेफेस्ट प्लेटफॉर्म है जो आपको नॉन आईटी प्रोफेशन से हाई पेइंग आईटी जॉब में शिफ्ट करने में मदद करता है
वो भी सिर्फ 9.5 महीने में। इनके पास आईटी प्रोफेशन के बेसिक लेवल से लेकर एम्प्लॉयमेंट यूनिक कोर्स हैं, जो आपको पैसे बर्बाद करने और गलत आईटी प्रोफेशन को सीखने में टाइम बर्बाद करने के रिस्क से बचने में मदद करते हैं। इस 9.5 महीने के कोर्स के दौरान आप सबसे पहले ये जानेंगे कि आपके टैलेंट, स्ट्रेंथ्स और इंटरेस्ट के बेसिस पर आपके लिए कौन सा आईटी प्रोफेशन सही है। अपने लिए सही आईटी प्रोफेशन जैसे डेटा एनालिस्ट, सॉफ्टवेयर डेवलपर, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और बहुत से कोर्सेज में से चुनने के बाद आप इसे 100% एम्प्लॉयमेंट गारंटी के साथ आप इसे बेसिक लेवल से मास्टर करना शुरू कर देंगे। ये कोर्स आपको पर्सनली सक्सेसफुल बनाने के लिए डिजाइन किया गया है, चाहे वो प्रोफेशनली हो या फाइनेंशियली। इनके करंट प्लेसमेंट स्टेट्स 93% है और सबसे अच्छी बात ये है कि इससे पहले कि आप इस कोर्स में एनरोल करें, ये मनी बैक गारंटी के साथ गारंटीड जॉब एग्रीमेंट देते हैं। तो बेसिकली अगर आपको प्लेसमेंट नहीं मिलती है तो आपको 100% रिफंड मिलेगा। इनके कोर्सेज में रियल बिजनेस केस स्टडीज, जॉब ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स और असाइनमेंट हैं, जिन्हें अमेज़न, फिलिप्स, डेलॉयट जैसी और भी बड़ी कंपनी के इंडस्ट्री एक्सपर्ट ने डिजाइन किया है। नॉन आईटी बैकग्राउंड वाला कोई भी पर्सन इन डिमांडिंग स्किल्स को सीख सकता है और हाई पेइंग आईटी जॉब्स पाने के लिए एलिजिबल है। इस जॉब को पाने के लिए आपको कोडिंग बैकग्राउंड की भी जरूरत नहीं होगी। इन्होंने पिछले 2 सालों में अपने 300 से ज्यादा हायरिंग पार्टनर की मदद से 20,000 से ज्यादा कैंडिडेट्स को साल का 10 से 25 लाख का पैकेज हासिल करने में मदद की है। इस दिवाली पर आप मार्केट में पैसे खर्च करने के बदले खुद में इन्वेस्ट करना चुन सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के लिंक पर क्लिक करें और दिवाली जॉब गारंटी बैच को शुरू करने के लिए कोड RBC30 का यूज करें, जिससे आपको टोटल फी में 30% डिस्काउंट मिलेगा। तो चलिए फिर वीडियो में आगे बढ़ते हैं, आमने सामने रहकर बात करें। आज के जमाने में लोग बात करने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, मतलब लोग आमने सामने बात करने से ज्यादा मैसेजेस से बात करते हैं, जो मामूली बातों को बताने के लिए काफी हद तक इजी और अच्छा तरीका भी है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि जब आपके पास बताने के लिए कोई ऐसा टॉपिक है जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, तो आपको आमने सामने बात करनी चाहिए, ताकि आपकी बात को सही तरीके की इम्पोर्टेंस मिल सके। जब आप अपनी बात लोगों के सामने रख सकते हैं तो लोग आपको कॉन्फिडेंट और भरोसेमंद इंसान समझते हैं। आप कितने अच्छे और कॉन्फिडेंट इंसान हैं, ये सीधे आपके बात करने के तरीके से तय किया जाता है। इसलिए अपनी बातों की इम्पोर्टेंस को समझें और अपनी जरूरी बातों को दूसरों के सामने रखें, साथ ही उनके टाइम की कदर करते हुए ही बात करना तय करें। अपने पेट्स को हर जगह ना ले जाएं। बिना किसी शक के पेट्स बहुत प्यारे होते हैं और सबसे अच्छा प्यार पाना डिजर्व करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपने पेट्स को अपने साथ हर जगह ले जा सकते हैं। मतलब अपने पेट्स को हर जगह अपने साथ ले जाने से पहले इस बात का ध्यान रखें कि दूसरे लोगों को उनके वहाँ होने से परेशानी हो सकती है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो पेट्स को पसंद नहीं करते और इस बात को वो आपके एटिकेट से जोड़कर आपको बदतमीज बुला सकते हैं। इसलिए ध्यान रखें कि आप अपने पेट्स को सिर्फ ऐसी जगह ले जाएं जहाँ सारे लोग आपके पेट्स के आने से कंफर्टेबल हों, जिससे आपके पेट्स को भी उसके हिस्से का प्यार और रिस्पेक्ट मिलेगी। अपने फोन का ध्यान रखें। जब आप अपने फोन में ईयरफोन लगाकर गाने सुनते हैं तो एक बात का ध्यान रखें कि आपका फोन आपके ईयरफोन से अच्छी तरह से प्लग किया गया है, ताकि आप ऐसे सिचुएशन से बच सके जिसमें गाने आपके डिवाइस के स्पीकर पर ना चले। जैसा कि हमने पहले जाना, शोर से परेशानी हो सकती है, इसलिए अपने फोन का इस्तेमाल ध्यान से करें और दूसरों को परेशान ना करके अपने काम पर ध्यान दें। सोशल मीडिया का इस्तेमाल ध्यान से करें। इस बात का ध्यान रखें कि आपको सोशल मीडिया में हर चीज शेयर नहीं करनी चाहिए। सोशल नेटवर्किंग साइट पर अपनी बातचीत और आर्ग्यूमेंट को पोस्ट ना करें। सोशल मीडिया पर इनबॉक्स मौजूद होता है, जहां पर आप अपनी बात कर सकते हैं, इसलिए अपनी बातों को पोस्ट करके सबके सामने लाने के बजाय अपने इनबॉक्स का इस्तेमाल करें। चीजों को सिस्टमैटिक रखें। आप अपनी चीजों और अपने काम या रहने की जगह को किस तरह से रखते हैं, यह आपके डिसिप्लिन को दिखाता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि आप अपने से रिलेटेड हर चीज को सिस्टमैटिक ढंग से रखें। इसके साथ ही जब आपको किसी जगह पर बुलाया जाता है तो सफाई का ध्यान रखें। इसके साथ ही चीजों को खराब ना करें। किसी भी चीज को खराब ना करने को अपनी ड्यूटी समझें। यह आपके अच्छे एटिकेट को दिखाएगा और बदले में लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। जोर से ना बोलें। सही ढंग से बोलना हमारे बात करने के तरीके को दिखाता है, लेकिन इसके बाद भी आपको ध्यान देना चाहिए कि आप कब और कितना बोलते हैं, क्योंकि रात के खाने के दौरान हंसते, बात करते और यहाँ तक कि दूसरे खाने वालों को घूरते हुए जोर से बोलना गलत बिहेवियर को दिखाता है। इसलिए ध्यान रखिए कि आप दूसरों को बिना किसी परेशानी के शांति से खाना खाने देते हैं। इनवाइट करने पर ही जाएं। जब भी किसी पार्टी को ऑर्गेनाइज किया जाता है तो ये भी तय किया जाता है कि किन मेहमानों को बुलाया जाएगा, जिसके लिए मेहमानों को इनविटेशन भी भेजा जाता है। मतलब बहुत साफ है, आपको किसी भी पार्टी में तभी जाना चाहिए जब आपको इनवाइट किया जाता है। कभी भी किसी के बिन बुलाए मेहमान ना बने और ना ही अपने साथ किसी बिना इन्वाइटेड इंसान को ले जाने के बारे में सोचें। महिलाओं, बच्चे और बूढ़े लोगों की कद्र करें।
ये बहुत अच्छी बात है कि आप दूसरों की कदर करते हैं, लेकिन आपको महिलाओं, बच्चों और बूढ़े लोगों की खास तरीके से कदर करनी चाहिए और उनकी मदद करने की कोशिश करनी चाहिए। ये काफी मायने में आपके पार्टनर से भी जुड़ा हुआ है, मतलब आपको अपनी वाइफ के फैसलों और विचारों की भी कदर करनी चाहिए। पुरुषों को अपने अच्छे बिहेवियर को रिप्रेजेंट करने के लिए अपने साथ जुड़ी महिलाओं को खुद से आगे रखना चाहिए और पुरुषों को हमेशा महिलाओं को अपनी जगह देनी चाहिए। बिजी होने पर टेक्स्ट छोड़े। जब आप किसी काम में बहुत ज्यादा बिजी होते हैं और अपने फोन का जवाब नहीं दे पाते हैं, तो अपने फोन को साइलेंट मोड पर छोड़ने या सेलफोन को बंद करने की बजाय अपने जरूरी फोन को टेक्स्ट के जरिए रिप्लाई करें। लोगों को डिस्ट्रैक्ट ना करें। जब आप किसी मीटिंग, क्लास या किसी और सभा में देर से आते हैं, तो उस टाइम अपनी फेवरेट सिचुएशन में फिट होने की कोशिश करने की बजाय एक सीट ढूंढें और शांति से बैठ जाएं। ये आपके लिए ज्यादा रिस्पेक्टफुल होता है, जहां आप किसी को भी डिस्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। अपनी सीट ऑफर करें। अगर आप काफी काबिल और मजबूत हैं, तो आराम करने की बजाय काम करें और अपनी सीट उन लोगों को दें जिन्हें सच में उनकी जरूरत है। आप अपनी सीट बच्चों के साथ वाली महिला, बुजुर्ग या छोटे बच्चों को दे सकते हैं। इससे आप उनके सामने एक सज्जन व्यक्ति के रूप में उभरेंगे और आपको प्रशंसा मिलेगी। अपनी जिम्मेदारी लें। आपकी जिंदगी सिर्फ आपकी है, इसलिए आपको अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लेनी होगी। अगर आप कोई गलती करते हैं, तो माने कि आपसे गलती हुई है और अपनी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ें। कुल मिलाकर आपको अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लेनी है, जिसके जरिए आप अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाकर एक जिम्मेदार इंसान बन सकेंगे। सुनना बहुत जरूरी है। सुनने का मतलब ये नहीं है कि आपको बातचीत के दौरान चुप रहना चाहिए, लेकिन बाद में गहरी दिलचस्पी दिखाना और सही टाइम पर बोलने के लिए सुनना जरूरी होता है, ताकि आप बोलने वाले को अच्छे से समझ सकें और इससे आप उनकी मदद भी कर सकते हैं, क्योंकि सुनकर आप उनकी पूरी सिचुएशन का जायजा लेकर उनको बेहतर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंकफुल रहें। अगर आपके लिए कोई इंसान कुछ काम करता है, तो बदले में उसे थैंक यू जरूर बोलें। आपको अपनी जिंदगी में थैंकफुल बनना होगा। जब कभी लगे कुछ अच्छा हुआ है, तो थैंक यू बोलने से पीछे ना हटें। इस तरह थैंकफुल होकर आप अपने अच्छे बिहेवियर को दिखाएंगे। थैंक यू दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसके साथ साथ आप कोडिंग इन्वेडर्स के जॉब गारंटी कोर्सेज को चेकआउट करना ना भूलें। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट भी कर दें। इससे हमारा मोटिवेशन कंसिस्टेंटली बढ़ता है। जल्दी मिलेंगे और भी बेहतर वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।